हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और फिट होंगे। तो आज हम जा रहे हैं हमारे अनार के बगीचे को एक्सप्लोर करने। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैं आपको अपने अनार के बगीचे दिखाऊंगी, जो काफ़ी दूर पड़ता है। हमारी प्रॉपर्टी वो काफ़ी दूर है, वहाँ पे भी हमारा घर है बट हम लोग वहाँ पे रहते नहीं हैं। तो आज मैं और मेरा भाई वहाँ पे जाने वाला है, तो हम आपको थोड़ा सा दिखाएँगे अनार की खेती कैसे होती है और एक्सप्लोर करेंगे अनार के बगीचे को। और उसके बाद हम जाएंगे अपनी सिस्टर के घर जो वहाँ से थोड़ा पास में पड़ता है, तो हम उनसे भी मिलेंगे। तो आज हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। तो चलिए हमारे साथ एंजॉय कीजिए सफ़र को और हमारे ब्लॉग की शुरुआत होगी कुछ इस तरह इन घने जंगलों में। और आप लोग यहाँ की सुंदरता देख सकते हो, बहुत शांति यहाँ पे है और मौसम भी अच्छा है आज। आप लोग देख सकते हो वहाँ पहाड़ी पे घर है, तो पहाड़ों में ऐसे ऐसे घर होते हैं पहाड़ों पे। और यहाँ का नज़ारा, घने जंगल और ये सुंदरता। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, हमारा घर यहाँ से पास में पड़ता है और वहाँ पे रहते हैं नेपाली, वो लोग ही यहाँ की जो हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी है उसकी देखभाल करते हैं। तो पहले वहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे सभी जगह अनार की बगीचे मिलेगी आपको। यहाँ पे अनार की खेती ज़्यादा होती है। और ये भी हमारी बगीचा है अनार की, और एक और है आगे, वहाँ पे भी जाएंगे। हम पहुँच चुके हैं हमारे घर पे और यहाँ पे देखते हैं नेपाली वगैरह रहते हैं, यहाँ पे उनको मिलेंगे हम। उन्होंने गाय भी पाली हुई है, घास वहीं पर। अभी तो स्टार्ट हुई है, हमारे सूख भी गई आपके तो ना। हाँ जी, ठंडी खाने तो ले जाओ। नहीं नहीं, हम लगी हुई है घर पे। और अब हम चलते हैं दूसरे खेत की तरफ, वहाँ पे देखते हैं अनार के हाल क्या है। और आप यहाँ पे आगे देख सकते हो, लोगों ने हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया अनार। यहाँ पे वो लोग अनार। और अब हम पहुँच चुके अपने दूसरे खेत एंड आपको यहाँ पे चारों तरफ अनार के ही बगीचे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अनार के
तो मैं लेके आते हैं अनार तोड़ के खेतों से और फिर उनको एक जगह स्टोर करके वहाँ पे उनको पैकिंग उनकी की जाती है। और यहाँ पे है जापानी का पेड़ जो अभी इसकी प्लांटिंग की गई है, छोटा है अभी। अनार के जो बगीचे होते हैं वो बहुत घने होते हैं, जिनमें रास्ता ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है, तो कई बार पता नहीं चलता है कि अपने खेत में या किसी और के खेत में पहुंचते हैं। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इनकी पिकिंग करना, क्योंकि इनकी जो टहनियाँ होती है वो बहुत हार्ड होती है। तो चलिए, यहाँ पे एक छोटा सा भिंडी का पेड़ है जो सूख चुकी है। यहाँ की भिंडी, गर्मी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये खेत हमारे घर के पास वाला है और यहाँ पे मुझे अनार थोड़े अच्छे दिख रहे हैं, इधर तो काफ़ी सूख चुके हैं। अभी कुछ दिनों में इनकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। गर्मी देख रहे हो, इसलिए हम यहाँ पे आना ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ये पेड़ जो है अनार का, ये सीडलेस वैरायटी है जो इसमें अभी आने वाले हैं, अभी इसमें इनकी ग्रोथ नहीं हुई है, इसमें लेट होएगी। और ये न्यू प्लांटेशन हमने करी थी। और ये जो पेड़ है ये गंधारी है, गंधारी वैरायटी ऑफ पोमेग्रेनेट। और एक सैड न्यूज़ कि हम यहाँ पे ड्रोन फ्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे नो फ्लाई जोन दिखा रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे टावर बहुत ज़्यादा, आई थिंक उसकी वजह से अलाउ नहीं कर पा रहा है ड्रोन फ्लाई करना। चलो कोई बात नहीं, अभी हम अपनी दी के घर जाएंगे, उनके वहाँ पे भी अनार के बगीचे हैं, तो आई होप वहाँ पर ड्रोन शूट हो जाए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारे अनार के बगीचे। और यहाँ पर बहुत सारी सब्ज़ियाँ भी ग्रो करी हुई हैं इन्होंने, जो यहाँ पर रहते हैं, तो इनकी वजह से हमें बहुत सारी सब्ज़ियाँ खाने के लिए मिल जाती है। ये खुद खुद रख देता है, थोड़ा देता है, पता नहीं क्या, पूरा नहीं देता है। अच्छा, वो जहाँ पे पीसते हैं ना, ये नेपाल से है और ये हम पर रहते हैं, यहाँ की रखवाली करते हैं। और ये गाय भी पालते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती है और बहुत सारी सब्जियाँ भी ग्रो करते हैं। तो इनको मैं पहली बार मिली हूँ, आएंगे हम फिर से मिलने आपको। आप हेलो करो मेरे कैमरा को। चलो ठीक है फिर, बाय। ध्यान रखना। अच्छा ठीक है।